हाय वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस मैं हूँ सलमान सर और मैं आज आपको जो है राइमिंग वर्ड पढ़ाने वाला हूँ। राइमिंग वर्ड मैं आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा। आपको जो है डेफिनेशन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझाऊंगा ताकि आप जो इनको बहुत ही आसानी से समझ पाए। दोस्तों यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्लास फर्स्ट से लगा के क्लास एट तक हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, चाहे वो क्वार्टरली एग्जाम हो, है ना, चाहे वो आपकी एनुअल एग्जाम हो, वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक सभी परीक्षा में पूछा जाता है एक से दो नंबर का, और ये बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों। तो बिना देर की शुरू करते हैं यह वीडियो। राइमिंग को हिंदी में बोलते हैं तुकांत, है ना, यानी इसमें तुक जो होती है उसको राइमिंग कहा जाता है। वाट इज द राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड होते क्या है, तो क्या होते हैं वो तुकान शब्द होते हैं, है ना, हिंदी में क्या होते हैं तुकान शब्द बोलते हैं राइमिंग को। वाट इज द राइमिंग वर्ड्स, तुकान शब्द क्या होते हैं, तो पहले तो डेफिनेशन देखेंगे कि राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं, इस परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। डेफिनेशन को हिंदी में परिभाषा बोलते हैं। द रिपीटेशन ऑफ द साउंड, साउंड की बारंबारता। एट द एंड ऑफ वर्ड्स, कोई शब्द होता है और कोई शब्द का अंत का जो लेटर होती है यानी जो वर्ण होता है उसका जो साउंड होता है रिपीट होता है यानी उसको बार बार दोहराया जाता है, उसको ही क्या कहा जाता है, राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो कोई आपका ये एक शब्द ले लेते हैं गोल्ड, अब गोल्ड में जो है ये कोई शब्द हो गया, अब इसको जो है बार बार दोहराया जाएगा एक ही वर्ड को, एक ही लेटर को, एक ही वर्ण को, जैसे गोल्ड, बोल्ड, होल्ड, इस तरह से क्लेटर, मेटर, बेटर, हाल, वाल, फाल, अंत का जो लेटर है वो सेम है यानी आपका जो है सेम लेटर है और सेम साउंड है, है ना। आप हिंदी में देखते परिभाषा, जिन शब्दों का अंत वाला अक्षर समान होता है उन्हें तुकान शब्द कहते हैं, अंत वाला अक्षर समान होता है। जिसे एक वर्ड ले लिया गोल्ड, अब अंत वाला अक्षर जो है समान है, अंत में क्या है डी है, सब में देखो डी है, इसमें अंत में आ रहे देखो सब में आ रहे, है ना, इसमें एल है इसमें भी एल है, इस तरह से जो वर्ड होते हैं अंत वाला जो होता है वर्ण वो समान होता है और उसकी साउंड भी ध्वनि भी जो है समान होती है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स, राइमिंग शब्द वे शब्द होते हैं दैट हैव द सेम साउंड, जिनमें साउंड समान होता है, कहां पर एट द एंड ऑफ द लेट वर्ड, किसी वर्ड में जो है समान जो है समान लेटर होता है ना, एट द एंड ऑफ द लेटर, किसी लेटर का जो है कोई लेटर जो होता है वो एंड वाला लेटर एक सा ही होता है लेटर यानी वर्ण, जैसे इसमें दिया हुआ है। अब सून जो है ये लेटर एन है यानी वर्ण है, अब आपको आखिरी में भी ना है यानी एन है, इसमें भी ना की ध्वनि सुनाई देगी और इसमें भी ना की ध्वनि सुनाई देगी, मून, नून, सून, देखेंगे आप इसमें भी शील्ड, फील्ड, यील्ड, ये कैसे हो गए आपके, ये हो गए हैं आपके राइमिंग वर्ड जिनका अंत का शब्द समान होता है, अंत की ध्वनि समान होती है और अंत का वर्ण समान होता है, वे क्या कहलाते हैं आपके राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। दो डेफिनेशन देखिए, एक डेफिनेशन और देख लेते हैं जिससे जो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो पाएगा। द सिमिलरिटी ऑफ द साउंड, साउंड की एक रूपता यानी एक जैसी साउंड, एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, कोई शब्द है और उसका अंत है जो है, अंत में जो साउंड कैसी रहेगी, सिमिलरिटी रहेगी, एक जैसी रहेगी। अब इस काल द राइमिंग वर्ड्स, ऐसे ही शब्दों को राइमिंग वर्ड कहा जाएगा, या फिर द राइमिंग है ऑफ द सेम एंडिंग साउंड, है ना, जो राइमिंग में जो एंडिंग साउंड रहेगा अंत वाला साउंड रहेगा ध्वनि रहेगी वो समान रहेगी।
जैसे अंत वाली ध्वनि, इसमें भी ईक का सुनाई देगा आपको, इसमें भी ईक का, इसमें भी ईक का, कैसे देखेंगे, थ्री ट्री फ्री, एंडिंग साउंड जो है ई इमली का आया इसमें, और समान ध्वनि है ई इमली की तीनों ही शब्द में। आप इसमें देखेंगे बेस्ट रेस्ट चेस्ट, पिप किप बीप, बंच लंच मंच, इनका जो आप अंत वाला लेटर देखोगे, आखिरी का जो वर्ण देखोगे वो सेम ही रहेगा, और सेम होने के साथ साथ आपको जो साउंड है वो भी सेम ही सुनाई देगी, एक सी ही सुनाई देगी। जो एक तुक वाले शब्द होते हैं उन्हें जो है तुकान शब्द कहा जाता है। लेकिन इसमें छोटी सी बात आपको याद रखनी है, वो नोट में मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश में क्या होता है, कभी कभी कोई वर्ड को नहीं पढ़ा जाता, जैसे ई हो गया, ई को कभी कभी नहीं पढ़ा जाता। अब उसको नहीं पढ़ा जाता है ना, तो उसकी साउंड अपन नहीं गिनेंगे, वही शब्द की वही लेटर की जो है अपन काउंट करेंगे या गिनेंगे या राइमिंग वर्ड में लेंगे जिनको पढ़ा जाता है। जैसे आपका यहां पर अगर माउस पढ़ोगे तो आखिरी में सा आएगा, ई को नहीं पढ़ा जा रहा है। हाउस पढ़ेंगे तो ई को नहीं पढ़ा जा रहा, एस आ रहा है। लाउस एस पढ़ेंगे, ई को नहीं पढ़ा जा रहा है ना। तो राइमिंग वर्ड इसमें माउस हाउस लाउस है ना। एक और उदाहरण जिसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा है ना, जो शब्द को नहीं पढ़ा जा रहा है, जैसे इसमें हाई, आप ये है आपका हाई, ई इमली का। साई, इसमें भी आपको जो है अंत में क्या आ रहा है, इमली का साई। और ये टाई, अंत में क्या आ रहा है, इमली का। तो देखो आप, इसमें अपन जीएच को नहीं पढ़ रहे, इसमें भी जीएच को नहीं पढ़ रहे, लेकिन टाई फिर भी है, इसका राइमिंग हो गया। इसमें भी जीएच है, इसमें भी जीएच है, लेकिन इसमें जीएच नहीं है, लेकिन फिर भी जो है राइमिंग वर्ड है। क्यों है, क्योंकि अंत की जो ध्वनि है आपको वो एक सी ही है, हाई साई और टाई, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इंग्लिश में जैसे ई नहीं पढ़ रहे, इसमें केवल आपको एन सुनाई देगा, ना नल की ध्वनि आपको तीनों ही शब्दों में सुनाई दे रही, लाइन पाइन शाइन है ना। यदि आपको एग्जाम में आ जाए कुछ भी एक राइमिंग वर्ड, तो आपको मिलते जुलते जो है शब्द लिखना है जिनका अंत का शब्द एक हो और ध्वनि भी समान होनी चाहिए, एक जैसी ध्वनि होनी चाहिए, उस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो आपके एग्जाम में कोई एक शब्द आ गया, आपको एक शब्द आ जाता है रेल, आप बोल दिया है कि इसका राइमिंग वर्ड बताओ, तो आपको मन से कुछ भी कर देना है, जैसे रेल। अब आपको ऐसे शब्द ढूंढना है जिसमें एलो अंत में और उसकी ध्वनि ला की हो, जैसे रेल का फेल हो जाएगा, फाल हो जाएगा है ना, ये इसका राइमिंग वर्ड। इसमें भी देखोगे ला है, इसमें भी देखोगे ला है ना। और भी ऐसे शब्द जो आते हैं आपके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे, कोई भी एक शब्द जो है आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में और उसके राइमिंग वर्ड देखना है, तो आपको बहुत ही आसानी से अंत वाला शब्द देखना है, अंत वाला लेटर देखना है और आपको लिख देना है। यदि आप समझ पाए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, यदि नहीं समझ में आए हो तो मैं आपको जो इसके लिए एक वीडियो और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बता दूंगा। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।